ट्रांसपोर्ट्स पर लागू कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट का विरोध को लेकर 29 नवंबर को प्रदेश भर में चक्का जाम करेंगे। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संघ लगातार प्रदेश में लागू कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट का विरोध कर रहा है, जिसे लेकर उनके और अन्य संघ के पदाधिकारियों द्वारा परिवहन मंत्री, सचिव और आयुक्त से मुलाकात कर कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट न किए जाने का आग्रह किया, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि जिस कंपनी से फिटनेस टेस्ट का अनुबंध किया है, लगता है कि बड़ा भ्रष्टाचार सरकार में बैठक मंत्री और 29 तारीख को हम लोगों का पूरा उत्तराखंड में पूरा प्रदेश व्यापी हड़ताल है, पूरा चक्का जाम है, क्योंकि सरकार हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोग कई बार जा चुके हैं, हम परिवहन मंत्री जी से मिल चुके हैं, परिवहन सचिव से मिले हैं, कल हमने पूरा परिवहन आयुक्त सचिव का घेराव किया है और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इसलिए हम लोगों ने, सभी लोगों ने, जितने भी यूनियन के पदाधिकारी गण थे, सबने निर्णय लिया कि 29 तारीख को उत्तराखंड में चक्का जाम है, जिसमें बस, टेम्पो, ट्रक, सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टैक्सी, मैक्सी, सारी गाड़ियां उस दिन सेवाएं बंद रहेंगी। आप क्या मानते हैं? सरकार एक ऑटोमेटिव, जिसने ये मशीन, टेस्टिंग मशीन लगाई है, उसके दबाव में है और कुछ ना कुछ इसमें कुछ काला है, जो ये इनके प्रति इनका इतना नरम रुख है और हमारे प्रति, इतने लाखों संख्या के प्रति जो है इनका इतना कड़ा रुख है। तो पार की लड़ाई के लिए आप लोग हर पार की लड़ाई 29 तारीख को हम लोग विधानसभा कूच भी करेंगे और साथ साथ पूरा चक्का जाम करेंगे।